अब ऐसा है कि हमने हेल्थ कन्वेंशन किया तकरीबन हुए तकरीबन एक से डेढ़ महीना हो गया है हमें हेल्थ कन्वेंशन किए और अभी तक मेरे पास कोई ऐसी खुशायन खबर नहीं है जो मैं डेढ़ महीने बाद भी आपको दे सकूं, सिवाय एक कि उस कन्वेंशन की वजह से अलहमदुल्ला THQ को एम्बुलेंस मिला। कोई खबर है जो मेरी नजर में कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है कि हम उसे मीडिया पे ले आए। अलहमदुल्ला एक चीज थी वो होगी, लेकिन जिस मकसद के लिए कन्वेंशन हुआ था उसके नतायज अभी तक हमें नहीं मिल सके। मैं उसके लिए दिन रात कोशिश कर रहा हूं। इस हफ्ते में भी बखर साहब की भी रिक्वेस्ट की है लाहौर तशरीफ लाए, एक दो और दोस्त भी आ रहे हैं। इस हफ्ते में भी उसके लिए सबसे अहम चीज जो प्रॉपर्टी का उसूल है, इस हफ्ते में भी हमारी मीटिंग तालिब रजा खान साहब के साथ भी, नवाविश खान के साथ भी जिन्होंने हमें वादा किया, इस हफ्ते मैं फिर उनसे मीटिंग। स्टार न्यूज पे मैं एक चीज आ रही, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नवाब तालिब रजा खान साहब के खुलूस पर, उनकी दयानतदारी पर और उनका इस ऐलान पर एक रत्ती बराबर भी मुझे शक नहीं। पीछे अशूरा गुजरा, सैलाब के मामला थे, वो भी बिजी थे अशूरा की वजह से, अब वो भी कुछ फ्री हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते में हम उनसे मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें जमीन अलॉट हो जाए। रजिस्ट्रेशन हमारी हॉस्पिटल की आधा काम उसका हो चुका हुआ है, अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जानी है और वहां से उसके लिए सिर्फ हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 3 मेंबर्स, 7 मेंबर्स होते हैं, 4 हमने फाइनल कर लिए हैं जो टेक्नोक्रैट्स हैं, 3 मेंबर इस तहसील से लेने हैं जिन पर अभी तक मेरा अपना जेन फाइनल नहीं हो सका कि हमने किन 3 बंदों को लेना है, क्योंकि वो सारे टेक्नोक्रैट्स नहीं है, यहाँ की अहम शख्सियात होनी है। वो 3 नाम भी फाइनल हमने करके तो रजिस्ट्रेशन अपनी फाइनल करनी है। सबसे अहम चीज जमीन का उसूल है, वो मिल जाता है तो मैं आज आपके चैनल के तवस्सुल से ये बता दूं, अगर मुझे इसी हफ्ते में जमीन अलॉट हो जाती तो अगले हफ्ते से मैं ट्रामा सेंटर के लिए फंड रेजिंग शुरू करवा इंशाल्लाह। और जमीन अगर खुदा ना खास्ता डिले होती है नवाब साहब की तरफ से, नवाजिश खान साहब की तरफ से या गुलाम बाजी साहब की तरफ से अगर डिले होती है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कर सके ट्रामा सेंटर के लिए कुछ और कर दीजिएगा, जमीन का मैं मजीद वेट नहीं कर सकता क्योंकि हमारी जिंदगियों का कोई पता नहीं, हम सोचते ही रह जाएं और वक्त निकल जाए तो फिर हम जमीन का वेट नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बाद मैं आवाम में निकल जाऊँ, मैं 3 महीने की छुट्टी लूंगा और फिर मैं आवाम में निकल जाऊंगा, इसी तहसील बैठा रहूंगा, एक एक बंदे के घर जाऊंगा और फिर मैं यही जमीन मुझे आवाम खरीद के दे इंशाल्लाह। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि हमें ये जमीन आवाम को खरीद के देनी चाहिए तो मेरा ख्याल है यहाँ के सारे सियासतदानों के लिए, जागीरदारों के लिए, सरमायादारों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, और वो क्वेश्चन मार्क ये कभी साफ नहीं कर सकते। अपने तहीं वो कोई कहे कि मैंने साफ कर लिया तो वो कह सकता है, जैसे एक बंदे ने बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ ली तो किसी ने कहा कि जनाब आप तो अभी जो है वो आप जहां से आ रहे हैं तो आपका तो वुज़ू ही नहीं है, तो आपने नमाज कैसे पढ़ ली? कहते क्यों, क्या हुआ है? कहते वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। कहते होती है। तो कैसे होती है? कहते मैंने अभी पढ़ी है, हो गई। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि नहीं वो हमने तो दाग धो लिया है तो बहरहाल वो उसी बगैर वुज़ू की तरह नमाज ही होगा। अगर आप अपनी तहसील को एक एकड़ जमीन नहीं डोनेट कर सकते, सारे जमींदार, जागीरदार, सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट, ताजरान, आप मिलकर एक एकड़ जमीन नहीं दे सकते अपने ट्रामा सेंटर को, तो फिर वो आप दो दांत कैसे धोएंगे? लेकिन मुझे इतना पता है इस तहसील की आवाम खुद जमीन, वो खुद अस्पताल भी बना रही है।